डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे कन्फॉर्मेशंस ऑफ डीकेलेंस। अब ये डीकेलेंस होती क्या है? इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है कि जैसे दो साइक्लोहेक्सेन रिंग्स जो हैं वो आपस में जुड़ी हुई हों। तो इसको अगर हम प्लानर स्ट्रक्चर में दिखाना चाहें तो वो कुछ इस तरीके का बनता है। जैसे ये सबसे पहले हम बना रहे हैं, एक्चुअली डीकेलेंस जो है दो फॉर्म्स में होती है, एक होती है सिस डीकेलिन और एक ट्रांस डीकेलिन। दोनों आपस में आइसोमर हैं, ये आपको पता ही है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अच्छा, अब इसको अगर हम प्लानर स्ट्रक्चर की तरह बनाना चाहें तो हम इस तरह से बना सकते हैं कि दो साइक्लोहेक्सेन रिंग बनाई, और अगर हम कह रहे हैं कि ये सिस डीकेलिन है तो जो ये फ्यूजन जहाँ पर हुआ है कार्बन का, तो जो जॉइनिंग पर जो ये हाइड्रोजन हम दिखा रहे हैं, ये दोनों के दोनों या तो अबव द प्लेन दिखा सकते हैं आप या फिर बिलो द प्लेन, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। तो ये अगर हम अबव द प्लेन दिखा रहे हैं इस तरीके से तो ये कहलाएगी हमारी सिस डीकेलिन। अब ये तो हुआ प्लानर स्ट्रक्चर। फिर हम अगर इसका चेयर कन्फॉर्मेशन बनाना चाहें तो चेयर कन्फॉर्मेशन हम कैसे बना सकते हैं? तो चेयर कन्फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले तो आप इसमें नंबरिंग देख लीजिए। यहाँ से हम इसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, फिर इस रिंग पे आ जाएंगे 5, 6, 7, 8, और फिर जो ये फ्यूजन वाला कार्बन है ये हो जाएगा 9 और 10। तो इस तरह से हम सिस डीकेलिन, और सिस डीकेलिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। अब देखिए इसमें क्या है, हम कैसे बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर को। हमने पहले ये 9, 10 ये वाली रिंग जो है, ये वाली रिंग बना रहे हैं पहले। तो ये पूरी एक साइक्लोहेक्सेन रिंग बन गई 9, 10 से, और ये 7, 8, ये 5, 6, मतलब 9, 8, 7, 6, 5, 10 ये हमने बना लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 9 कार्बन पर जो हाइड्रोजन है वो क्योंकि अबव द प्लेन है, और मैंने आपको बताया था कि जब प्लानर रिंग स्ट्रक्चर में अबव द प्लेन कोई चीज़ होती है तो साइक्लोहेक्सेन में हम उसे ऊपर की साइड दिखाएंगे, और क्योंकि ये हाइड्रोजन हमारा ऊपर की साइड है तो जो ऊपर की साइड बॉन्ड बनेगा वो एक्जियल बॉन्ड बनेगा। ये सब मैंने जब साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर समझाया था तब मैंने बताया था कि एक्जियल बॉन्ड्स ऊपर वाले कार्बन पर हमेशा ऊपर की तरफ और नीचे वाले कार्बन पर हमेशा नीचे की तरफ, एक वर्टिकल लाइन की तरह खींचे जाते हैं। तो ये हो गया हमारा ऊपर की साइड, हमने बना दिया एच। अच्छा, अगर हम 10 कार्बन पर जाएं तो 10 कार्बन पर भी जो हाइड्रोजन है वो अबव द प्लेन है। तो अगर हम 10 कार्बन यहाँ देखें इस साइक्लोहेक्सेन वाले स्ट्रक्चर में, सिर्फ इस रिंग की बात कर रही हूँ मैं, तो जो 10 कार्बन है वो नीचे की साइड है, 9 ऊपर था, 10 नीचे आ गया। तो जब नीचे आ गया तो इसमें क्या करेंगे, क्योंकि हमें H को ऊपर बनाना है तो इसमें क्या होगा, नीचे की साइड तो जाएगा एक्जियल बॉन्ड और ऊपर की साइड जाएगा इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो इसमें क्योंकि हाइड्रोजन ऊपर की साइड है तो हमें ऊपर वाले बॉन्ड से दिखा देनी, यानी इक्वेटोरियल हाइड्रोजन इसमें हो जाएगी। तो हमने ये इक्वेटोरियल हाइड्रोजन दिखा दी। अच्छा, अब हमें क्या करना है, 9 कार्बन से जुड़ा हुआ है 1 कार्बन, तो 9 कार्बन पर एक तो हाइड्रोजन हो गया और दूसरा फिर ये हमारा 1 कार्बन जुड़ा हुआ है जो कि ये दूसरी साइक्लोहेक्सेन रिंग का पार्ट है। तो अब हमने 9 कार्बन पर अबव द प्लेन वाली हाइड्रोजन तो दिखा दी, अब इसका दूसरा बॉन्ड क्या होगा, वो इक्वेटोरियल बॉन्ड होगा। तो हमने वो इक्वेटोरियल बॉन्ड यहाँ पर बना लिया। तो जब इक्वेटोरियल बॉन्ड बनाया और ये जो कार्बन आया इसको दे दिया हमने नंबर 1। ऐसे ही हम 10 कार्बन पर जब देखा तो 10 कार्बन पर हमने अबव द प्लेन वाला जो इक्वेटोरियल बॉन्ड था वो तो हाइड्रोजन बना लिया, और जो ये दूसरा बॉन्ड है 4 नंबर कार्बन का, अब ये क्या हो जाएगा, ये एक्जियल कार्बन हो जाएगी। तो हमने इसको एक्जियल बॉन्ड बनाया और ये 4 नंबर यहां लिख दिया। तो अब ये बॉन्ड बन गया है और एक ये बॉन्ड बन गया है। तो अब इससे हमें क्या बनाना है, इससे हमें दूसरी साइक्लोहेक्सेन रिंग बनानी है। तो जब ये बॉन्ड नीचे है, मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हमारे पास ये 3 बॉन्ड बन के आ चुके हैं, यानी कि ये वाले 3 बॉन्ड हमारे पास बन गए हैं, तो बाकी जो तीनों बॉन्ड बनेंगे वो इन्हीं बॉन्ड्स के पैरेलल बनेंगे। जैसे अगर हमने ये वाला बॉन्ड बनाया है तो इसी के पैरेलल ये 1, 2 बॉन्ड आएगा, ठीक है, और जो ये वाला बॉन्ड है 9, 10 इसके पैरेलल ये 2, 3 बॉन्ड आएगा, और 1, 9 के पैरेलल आ जाएगा हमारा 3, 4 बॉन्ड। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ देखना है कि ये एक साइड की रिंग, चाहे तो आप ये और चाहे आप ये, तो क्योंकि ये वाली हमें सिंपल बनाने की आदत है तो ये हम बना सकते हैं। तो बस इसको बनाना है, फिर आपको सबसे पहले हाइड्रोजन फिट करना है इसमें। हाइड्रोजन कैसे दिखाए गए, ऊपर की साइड है तो ऊपर हेड लगा दीजिए, नीचे हेड तो नीचे हेड लगा दीजिए। इसमें दोनों ऊपर है तो हमने दोनों ऊपर बना दिए, इसका ऊपर एक्जियल बॉन्ड बन रहा है, इसका ऊपर इक्वेटोरियल बन रहा है। फिर हम इसका इक्वेटोरियल बॉन्ड बनाएंगे और इसका एक्जियल बॉन्ड बनाएंगे, तो हमारे पास 3 बॉन्ड आ जाएंगे। बस फिर इन 3 बॉन्ड के पैरेलल ही बाकी के तीनों बॉन्ड बनेंगे। तो वही हमने यहां बॉन्ड बना के इस तरह से हम सिस डीकेलिन को बना सकते हैं। अब आती है ट्रांस डीकेलिन।
ट्रांस डिक्लिन में और सिस में क्या डिफरेंस हो जाएगा, होगा कि ये जॉइनिंग पे जो कार्बन है और जो इनके हाइड्रोजन है, इनके हाइड्रोजन क्या होंगे, एक तो अबव द प्लेन होगा और दूसरा वाला बिलो द प्लेन होगा, तो ये ट्रांस डिकेलिन कहलाती है। अब अगर हमें ट्रांस डिकेलिन बनानी है तो क्या, फिर से हमने यही रिंग बनाई अपनी 9 10 वाली, 9 10 5 6 7 8 यानी इस साइड वाली रिंग बना दी। तो ये वाली जब हमने रिंग बनाई, अब उसके बाद सबसे पहले हमें हाइड्रोजन फिट करने हैं। अब 9 कार्बन पर ऊपर की साइड है हाइड्रोजन, तो इसमें ऊपर वाला बॉन्ड एक्सियल होगा, तो हमने हाइड्रोजन लगा दिया। और दूसरा बॉन्ड इक्वेटोरियल होगा, तो हमने इक्वेटोरियल बॉन्ड भी यहाँ पर बना के छोड़ दिया, और वो इक्वेटोरियल बॉन्ड क्या हो जाएगा, नंबर वन, तो ये हो गया नंबर वन। अब हम आए 10 कार्बन पर हाइड्रोजन जो है वो नीचे की साइड है, तो 10 कार्बन पर नीचे की साइड जाएगा, क्योंकि ये नीचे वाला कार्बन है, इसमें नीचे की साइड जाएगा एक्सियल बॉन्ड, तो हमने इसका एक्सियल बॉन्ड बना दिया, और ऊपर जाएगा हमारा इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है ये 4 नंबर है, तो इक्वेटोरियल बॉन्ड बनाया और ये 4 नंबर, तो हम इतना स्ट्रक्चर यहाँ पर बना चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसके पैरेलल हमें ये लाइन खींचनी है, इसके पैरेलल ये वाली लाइन खींची है, और इसके पैरेलल ये लाइन खींचनी है। बस हमने फिर इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर जो है पूरा को नंबरिंग कर देनी है। नंबर वन कार्बन क्योंकि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हमने 2 कार्बन लिख दिया। 2 कार्बन 3 से है, तो 2 के बाद 3 लिखा, और 3 कार्बन 4 से है, तो 4 लिखा, और 4 तो 10 से इक्वेटोरियल पोजिशन पर जुड़ा हुआ था। तो इस तरह से हम जो है ट्रांस डिकेलिन को यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपने सिर्फ एक रिंग को बनाना है और उसके सबसे पहले हाइड्रोजन बना देने हैं, तो हाइड्रोजन या तो एक्सियल बनेंगे या इक्वेटोरियल बनेंगे, और उसके बाद उनका इक्वेटोरियल या एक्सियल बॉन्ड जो होगा बस आपको बना देना, और फिर रिंग जो है वो कंप्लीट कर देनी है किस हिसाब से, क्योंकि आपके पास कोई भी 3 बॉन्ड तो आ ही जाएंगे, और उन्हीं तीनों बॉन्ड के पैरेलल आपको जो है बाकी के तीनों बॉन्ड बनाने हैं। तो सिस और ट्रांस डिक्लिन का स्ट्रक्चर हो जाएगा ये। अब अगर हम बात करें सिस और ट्रांस में स्टेबिलिटी ऑर्डर की, तो जो ट्रांस डिकेलिन होती है वो मोर स्टेबल होती है इन कंपैरिजन टू सिस डिकेलिन। अब ऐसा क्यों होता है, तो उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे सिस डिकेलिन में ऐसा क्या है जो उसको जो उसकी स्टेबिलिटी को कम कर दे रहा है ट्रांस से। तो हमने ये स्ट्रक्चर बना दिया अपने सिस डिकेलिन का, जैसे हमने यहाँ पर बनाया हुआ था वही हमने यहाँ पर रिपीट किया। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, देखिए जो सिस डिकेलिन है या ट्रांस डिकेलिन भी है, वो एक्चुअल में क्या किस तरह से बिहेव कर रही है। देखिए यहाँ पर जो ये एक साइक्लोहेक्सेन रिंग ले लें हम, तो भाई ये तो हाइड्रोजन है, और ये जो रिंग है, ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है, एक्चुअल में क्या कर रहा है, ये सब्स्टिट्यूटेड मतलब एक तरह से इस साइक्लोहेक्सेन के सब्स्टिट्यूशन को शो कर रहा है। और कौन सा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन है और यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन है, तो एक तरह से ये वाली साइक्लोहेक्सेन को हम कह सकते हैं कि ये 1-2 डाई सब्स्टिट्यूटेड है, क्योंकि अगर हम इसको नंबर 1 दे दें और इसको नंबर 2 दे दें, तो यहाँ पर भी एक सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन से मतलब होता है अदर देन हाइड्रोजन कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ हो, हाइड्रोजन को छोड़कर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो। तो देखिए एक तो हाइड्रोजन है, लेकिन ये जो ये वाला ग्रुप इक्वेटोरियल बॉन्ड है, क्योंकि ये एक CH2 ग्रुप हो गया, और यहाँ पर भी ऐसे ही ये CH2 ग्रुप हो गया, तो एक तरह से ये सब्स्टिट्यूशन का काम कर रहा है। तो हम इस साइक्लोहेक्सेन को 1-2 सब्स्टिट्यूशन मान सकते हैं, जैसे कि जब मैंने 1-2 डाई सब्स्टिट्यूटेड आपको बताए थे, समझाया था मैंने 1-2 डाई सब्स्टिट्यूशन क्या होते हैं। तो इस तरह से हमने साइक्लो, तो 1-2 डाई सब्स्टिट्यूट अगर हमें बनाना है, तो हम इस पोजीशन पर क्या करेंगे, 1-2 डाई सब्स्टिट्यूशन कैसे शो कर सकते हैं साइक्लोहेक्सेन में, कि या तो वो इक्वेट, अगर हम सिस बना रहे हैं सपोज, अगर हम सिस डाई सब्स्टिट्यूशन को शो कर रहे हैं, तो एक तो ऊपर की साइड सब्स्टिट्यूशन मैंने CH3 बताया था आपको, 1-2 डाई मिथाइल अगर आपको याद हो, और इसमें भी ऊपर ही बनेगा, तो ये CH3 इस तरह से आ जाएगा, तो ये ऊपर की साइड गया और इसमें ये भी ऊपर की साइड गया, तो इसको हम बोल देते हैं। और जो ये नीचे वाला बॉन्ड होगा इक्वेटोरियल, वो हाइड्रोजन हो जाएगा, और इसका भी वो हाइड्रोजन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी तो हमने यही शो कर रखा है, हमने यहाँ पर दोनों बॉन्ड्स को कह सकते हैं, ये सिस क्यों मान रहे हैं, हम सिस मान रहे हैं इस कंसर्न में भी, आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के कंसर्न में, कि दोनों ही बॉन्ड हाइड्रोजन के ऊपर की साइड है। या आप सब्स्टिट्यूशन को अगर हम देखें, तो इसका ये सब्स्टिट्यूशन है और इस कार्बन का ये सब्स्टिट्यूशन है, दोनों के दोनों नीचे की साइड जा रहे हैं, सेम साइड जा रहे हैं। जब दोनों नीचे की साइड जा रहे हैं, तो इस कंसर्न में भी आप इसको ये समझ सकते हैं कि ये सिस है। और यहां पर हमने सब्स्टिट्यूशन कैसे माना था, कि ये ऊपर की साइड है और ये भी ऊपर की साइड है, तो ये भी सिस थी। चाहे तो दोनों ऊपर बना सकते हैं, चाहे आप दोनों नीचे बना सकते हैं, तो इसमें हमने दोनों नीचे दिखा रखे हैं, यहां पर हमने दोनों ऊपर दिखा दिए थे। तो ए ई हो चाहे ई ए हो, दोनों एक ही बात हो जाती है, तो वही हमने यहां पर भी समझाया हुआ है। और ऐसे ही अगर हम इस रिंग की बात करें, सिर्फ इस रिंग को देखें, तो इस रिंग के
ये जो दो कार्बन है इसको भी हम 1-2 पोजीशन मान सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखें ये भी एक सब्स्टिट्यूशन यानी कि CH2 ग्रुप है, और जो ये कार्बन जा रहा है वो भी सब्स्टिट्यूशन है, और दोनों ही दोनों नीचे की साइड जा रहे हैं। जब दोनों ही नीचे की साइड जा रहे हैं तो इसका मतलब ये भी सिस फॉर्म हो सकती है डाई सब्स्टिट्यूशन की। तो सिर्फ मैं ये समझाना चाह रही थी कि जो सिस डिकेलिन है या ट्रांस डिकेलिन भी है वो दोनों ही जो है एक तरह से 1-2 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन हम उसको समझ सकते हैं। तो ये AE कन्फॉर्मर है यहाँ पर, जैसे हमने 1-2 डाई सब्स्टिट्यूट या डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन में देखा था AE कन्फॉर्मर सिस के केसेस में आ रहा था, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर। और जो हम इसको मानेंगे अगर हम ट्रांस डिकेलिन की बात करें तो ट्रांस डिकेलिन में अगर आप देखें ये पूरी रिंग इसका सब्स्टिट्यूशन एक तो ये है और एक सब्स्टिट्यूशन ये है, और दोनों ही इक्वेटोरियल हैं, तो एक तरीके से ये क्या हो गया हमारा ई कन्फॉर्मर। तो जैसे हमने वहां पर भी देखा था ट्रांस 1-2 डाईमिथाइल के केस में वहां पर ई और ए दोनों बन के आ रहे थे, अभी हम देखेंगे यहां पर ए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो वो कैसे नहीं हो पाता वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल तो मैं ये समझाना चाह रही थी कि साइक्लोहेक्सेन को हम एक तरह से 1-2 डाई सब्स्टिट्यूशन की तरह देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑर्डर की, हम बात करते हैं, तो हमने देखी ये वाली रिंग, अब इस वाली रिंग की अगर हम बात करें तो इस रिंग से जो सब्स्टिट्यूशन है एक तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर है और एक सब्स्टिट्यूशन एक्सियल पोजीशन पर है। तो जैसे ही सब्स्टिट्यूशन एक्सियल पोजीशन पर आता है, मैंने आपको बताया भी था कि जब हमने इसकी बात करी थी यहाँ पर, अगर या हम इसी यहाँ पर भी देख लें कि जो एक्जियल ग्रुप था वो एक्जियल ग्रुप क्या कर रहा था, क्योंकि ये ऊपर वाले कार्बन पर है तो जो ऊपर वाले कार्बन है, एक तो ये वाला कार्बन ऊपर है और एक ये वाला कार्बन ऊपर है, तो इनसे जो हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे उनके साथ ये 1,3-डाई एक्जियल इंटरेक्शन शो करेगा। ये सब कुछ मैंने आपको समझाया था जब मैंने मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन समझाया था कि ये जो मिथाइल ग्रुप है क्योंकि ये बल्की ग्रुप है, अगर ये हाइड्रोजन होता तब तो कोई यहाँ पर कुछ भी इसके साथ कोई इंटरेक्शन ना हो पाता, कोई रिपल्शन ना होता, कोई स्टेरिक रिपल्शन यहाँ पे ना होता, लेकिन क्योंकि ये एक बल्की ग्रुप है तो बल्की ग्रुप अब ये जो एक्जियल हाइड्रोजन है इनके साथ ये जो है डाई एक्जियल इंटरेक्शन शो करता है। 1-2-3 मतलब 1-3-डाई एक्जियल, ये अगर हम 1 पोजिशन मान लें ये 2 तो ये 3, तो 1-3-डाई एक्जियल इंटरेक्शन इनका हो जाएगा क्योंकि दोनों एक्जियल हैं तो डाई एक्जियल इसलिए ले रहे हैं। और अगर हम इसकी बात करें तो ये भी 1-2-3, तो ये भी क्योंकि 1-3 कार्बन पर प्रेजेंट है तो इसलिए ये भी एक 1-3-डाई एक्जियल इंटरेक्शन है। तो यानी कि एक एक्जियल मिथाइल ग्रुप से हमेशा हमें 2 1-3-डाई एक्जियल इंटरेक्शन देखने को मिलते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो इस ये जो हमारा सब्स्टिट्यूशन हो रहा है यहाँ पर, यानी ये जो रिंग पूरी बन के आ रही, तो इसका जो ये वाला बॉन्ड, अगर हम इस रिंग का ये बॉन्ड देखें तो ये एक्जियल है और ये सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये वाला जो ग्रुप है वो इन दोनों हाइड्रोजन के साथ 1,3-डाईएक्सियल इंटरेक्शन शो करेगा। तो 2 1,3-डाईएक्सियल तो हमें इस रिंग की वजह से, इस रिंग के इस एक्जियल ग्रुप की वजह से मिल जाएंगे। अब अगर हम इस रिंग की बात करें, इस रिंग में अगर हम देखें, देखिए अब इस रिंग के लिए ये वाला बॉन्ड जो होगा, ये वाला बॉन्ड जो मैंने डार्क कर रखा है ये एक्जियल बॉन्ड होगा, और ये इक्वेटोरियल क्यों होगा एक्जियल, क्योंकि अगर सपोज मैं थोड़ा सा भी इसको ऐसे घुमा देती हूँ, अगर हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे देखें तो देखिए ये नीचे वाला कार्बन है और नीचे काल वाले कार्बन पर जो नीचे बॉन्ड जाता है वो हमारा एक्जियल बॉन्ड होता है और जो ऊपर बॉन्ड जाता है वो हमारा इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है। तो इस तरह से ये एक्जियल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ये हमारा जब एक्जियल बॉन्ड हुआ, और अगर हम दूसरा बॉन्ड देखें तो दूसरा बॉन्ड, क्योंकि ये कार्बन हमारा ऊपर की साइड है, फिर से अगर मैं रिंग घुमाऊं, जब ये नीचे कार्बन था तो एक कार्बन ऊपर होगा, हमेशा ऐसे ही तो होता है साइक्लोहेक्सेन में, एक नीचे एक ऊपर, फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर। तो जो ऊपर वाला कार्बन है उसमें जो ऊपर की साइड बॉन्ड जाएगा वो हमेशा एक्जियल होगा और जो नीचे की साइड बॉन्ड जाएगा वो इक्वेटोरियल होगा। इसका मतलब ये बॉन्ड जो है वो इक्वेटोरियल है इस रिंग के लिए। तो जब ये इस रिंग के लिए इक्वेटोरियल है तो इक्वेटोरियल सब्स्टिट्यूशन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इक्वेटोरियल यहाँ पर कोई ऐसा डायएक्सियल इंटरेक्शन तो देखने को मिलेगा ही नहीं, लेकिन ये हमारा एक्जियल बॉन्ड है। तो जब ये एक्जियल बॉन्ड है तो जितने भी यहाँ पर नीचे वाली कार्बन होंगी इस रिंग की, अब नीचे वाली कार्बन कौन सी होंगी, ऑल्टरनेटिव होंगी, ये तो ऊपर है, ये एक नीचे कार्बन आ गई, ये ऊपर है, फिर ये नीचे आ गई, तो जो नीचे वाले कार्बन के जो हाइड्रोजन है जुड़े हुए वो इसके साथ 1,3-डाईएक्सियल इंटरेक्शन शो करेंगे। तो इसके भी 2 1,3-डाईएक्सियल हो जाएंगे और इस रिंग के लिए भी 2 1,3-डाईएक्सियल, तो टोटल हमारे पास 4 1,3-डाईएक्सियल इंटरेक्शन देखने को मिलेंगे। अगर मैं डाईएक्सियल इंटरेक्शन आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए वो आप इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर में मैंने क्या किया हुआ है कि ये देखिए इस तरीके से ये आ गया आपके पास, यहाँ अगर आप
ऐसे यहाँ पर। तो देखिए जो ये ब्लू वाली कार्बन, आप ये सब कार्बन है, ब्लू है और ब्लैक है, पर मैंने अलग से इसलिए दिखाई है कि ब्लू वाली को मैं ये शो करना चाह रही हूँ कि ब्लू वाली कार्बन जो है वो ऊपर है और जो ब्लैक वाली कार्बन है वो नीचे है। अब सपोज मैंने यहाँ एक्जियल पोजिशन पर, सपोज ये जो ग्रीन, वैसे तो ये हाइड्रोजन है, लेकिन अगर आप सपोज इसको मान लीजिए जो मैंने जिस पर हाथ रखा हुआ है, कि अगर ये हमारी हाइड्रोजन हो गई, ये हमारा कोई सब्स्टिट्यूशन हो गया, माने CH3 ग्रुप ही हो गया, या CH2 ग्रुप, जैसे कि हम साइक्लोहेक्सेन में देख रहे थे, ये CH2 ग्रुप हो गया, तो ये CH2 ग्रुप इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के साथ 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन शो करता है। तो इस तरह से हम 1,3 डाइएक्सियल को देख सकते हो, जो भी एक्जियल पोजिशन पर ग्रुप होगा वो हमेशा 2 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन शो करता है। तो कुल मिलाकर हमारे पास 4 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन हो गए। तो एक तो यहाँ पर हमें ये एक मतलब इंटरेक्शन देखने को मिल गया, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि ये सब कुछ एक तरह से रिपल्शन ही तो है, और रिपल्शन से हमेशा मॉलिक्यूल की एनर्जी इंक्रीज करती है, और इंक्रीज एनर्जी इंक्रीज करेगी एनर्जी तो स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज करेगी। अब हम दूसरा इंटरेक्शन इसमें क्या है, दूसरा इसमें हमें देखने को मिलते हैं 3 एक्स्ट्रा गोश ब्यूटेन इंटरेक्शन। अगर गोश ब्यूटेन इंटरेक्शन आपको याद हो, ये मैं आपको अपने हर वीडियो में बताती हूँ, ब्यूटेन के केस में मैंने ये स्टार्ट किया था। ब्यूटेन में क्या होता है, जो हमारा स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है वो कुछ इस तरीके का मैंने दिखाया था, और यहाँ पर एक CH3 ग्रुप है, और अगर ये CH3 ग्रुप है, यानी CH3 ना भी हो, बस हाइड्रोजन को छोड़कर कुछ भी हो, बस अगर हाइड्रोजन हुआ तब तो कोई इंटरेक्शन यहाँ पर नहीं होगा, कोई रिपल्शन यहाँ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही CH3 ग्रुप आता है या कोई सब्सिट्यूएंट आता है, तो वहाँ पर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड, और मतलब सामने ये फ्रंट कार्बन है और ये पीछे वाली बैक कार्बन होती है न्यूमैन पोजीशन में जब हम दिखाते हैं, तो ये फ्रंट कार्बन का ये बॉन्ड और बैक कार्बन का ये बॉन्ड, दोनों के बीच में जो एंगल होता है, डाइहेड्रल एंगल होता है, वो मैंने आपको बताया था कि वो 60 डिग्री होता है। तो जब भी सब्सिट्यूएंट 60 डिग्री पर होते हैं, वो हमेशा एक दूसरे से एक स्टेरिक रिपल्शन फील करते हैं, जिसको हम कह देते हैं गोश ब्यूटेन इंटरेक्शन, या खाली गोश इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा गोश इंटरेक्शन, और ये कहाँ कहाँ पर हो सकता है, चाहे तो यहाँ पर, यहाँ पर, क्योंकि दोनों के बीच में 60 डिग्री का है, और अगर ये CH3 यहाँ ना लग के यहाँ पर लग जाए, CH3 ना लगे, कोई भी सब्सिट्यूएंट मैं कह रही हूँ, तो सब्सिट्यूएंट और सब्सिट्यूएंट हो, तो ये भी गोश इंटरेक्शन हो जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पर और यहाँ पर हो तब भी गोश इंटरेक्शन होगा, ये और ये पोजिशन भी गोश इंटरेक्शन होती है, ये और ये वाली और ये, क्योंकि ये सब 60 डिग्री एंगल पर प्रेजेंट होती है। तो अगर हम गोश इंटरेक्शन की बात करें, तो क्या कैसे निकल के कितने कितने बॉन्ड हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, कितने एटम हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, तो देखिए एक तो हो गया सब्सिट्यूएंट, एक हो गया ये आगे वाला कार्बन, एक हो गया ये पीछे वाला कार्बन, और फिर सब्सिट्यूएंट। तो हमने लिखा सब्सिट्यूएंट, फिर हमारा हुआ फ्रंट कार्बन, फिर हमारा हुआ बैक कार्बन, और फिर हमारा आ गया सब्सिट्यूएंट। तो कुल मिलाकर हमारे पास 4 जो है एटम्स जुड़े हुए होने चाहिए, बस वो हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी हो। तो ज्यादातर हम यहाँ बात जो कर रहे हैं वो कार्बन की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको 4 बॉन्ड जब भी देखने को मिलेंगे, तो हम और ये कॉर्नर कॉर्नर पर हमेशा सब्सिट्यूएंट होगा, तो हमेशा गोश इंटरेक्शन वहां देखने को मिलता है। तो ऐसा ही गोश इंटरेक्शन मैं यहाँ पर दिखाने की आपको कोशिश कर रही हूँ कि देखिए गोश इंटरेक्शन कैसे। अब अगर हम साइक्लोहेक्सेन रिंग की बात करें, सिर्फ सिंपल साइक्लोहेक्सेन की, तो एक साइक्लोहेक्सेन रिंग में कुल मिलाकर 6 गोश ब्यूटेन इंटरेक्शन होते हैं। अब कैसे होते हैं वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। देखिए हमें हमें क्या देखना है कि अगर सपोज ये स्ट्रक्चर है, मैं इसको ऐसे घुमा दूं, क्योंकि जब हम न्यूमैन प्रोजेक्शन देखते हैं, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में हमें क्या करना होता है, एक फ्रंट कार्बन होती है और एक बैक कार्बन। तो मैं यहाँ पर आपके सामने ये वाले कार्बन की बात कर रही हूँ, ये ब्लू वाली कार्बन तो है आपकी फ्रंट कार्बन, और ये ब्लैक वाली है आपकी बैक कार्बन। तो आप फ्रंट कार्बन पर अगर देखें, तो फ्रंट कार्बन पर ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर एक कार्बन जुड़ा हुआ है। तो इस पर आप क्या देख रहे हैं, ये फ्रंट कार्बन पर एक उल्टा वाई बन के आ रहा है, देख रहे हैं ना, ये एक उल्टा वाई। और अगर मैं बैक कार्बन की बात करूं, बैक कार्बन को मैं ऐसे दिखा सकती हूं आपको, तो बैक कार्बन पर एक सीधा वाई बन रहा है। देखिए एक तो ये वाइट और एक ये ब्लू और एक नीचे ग्रीन, ये थोड़ा सा टेढ़ा करके अगर मैं देखें, तो आगे वाले कार्बन पर बन रहा है उल्टा वाई और पीछे वाले पे बन रहा है सीधा वाई, और ये हमारा हो गया स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। अच्छा, अब गोश की अगर हम बात करें, कैसे इसमें गोश इंटरेक्शन है, तो देखिए अगर हम बात करें, ये तो हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि जब भी ये वाला एंगल और जो ये वाला एंगल है, ये 60 डिग्री का होता है। तो अगर हम बात करेंगे यहां से, अगर हम इसको देखना शुरू करें, तो ये और ये वाला ग्रुप, यानी कि देखिए
आ तो वही रहा है, मतलब अगर मैं इसको यहाँ पर एक बार ड्रॉ भी कर देती हूँ, हम यहाँ इस तरीके से इसको देख रहे हैं। अगर हम ब्लू कार्बन की बात कर रहे थे तो ब्लू कार्बन हमारा है फ्रंट कार्बन, फ्रंट कार्बन पर बन रहा है उल्टा वाई और बैक कार्बन पर बन रहा है हमारा सीधा वाई। तो ये आप पहले तो उल्टा वाई और सीधा वाई देख लीजिए। अब पहले उल्टे वाई की बात करें तो उल्टे वाई पे यहाँ पर है एक एच, ये भी एक एच, तो हमने ये एक एच बनाया, ये एक एच बनाया, और आगे है यहाँ पर सी एच टू ग्रुप, तो हमने लिख दिया यहाँ पर सी एच टू ग्रुप। ठीक है, अब हम चले गए पीछे वाले कार्बन पर। पीछे वाले कार्बन की अगर हम बात करें तो पीछे वाले कार्बन पर यहाँ पर ये वाला एक हाइड्रोजन है और नीचे वाला एक हाइड्रोजन है, तो ये एक हाइड्रोजन हो गया और ये एक हाइड्रोजन हो गया। और यहाँ पर क्या है, ये एक सी एच टू ग्रुप है, तो यहाँ पर आ गया ये एक सी एच टू ग्रुप। तो आप देख रहे हैं, मैंने जैसा ये बनाया बिल्कुल वैसा का वैसा यहाँ पर लिख दिया। तो ये वाली पोजिशन और ये वाली पोजिशन ये आपस में गोश होंगी, क्योंकि इनके बीच में जो डाईहेड्रल एंगल है वो 60 डिग्री का है। तो एक गोश इंटरेक्शन हमें दो कार्बन के बीच में देखने को मिल रहा है। फिर हम देखेंगे, अब हमने देखा था ये ब्लैक और इसके कार्बन के बीच में, अब अगर हम ब्लैक को सामने रखें और आगे की साइड बढ़ जाएं तब भी हम देखेंगे, तो ये वाले ब्लैक वाले कार्बन पर अगर आप देखें तो हमारा फिर से उल्टा वाई बन रहा है और पीछे वाले पर फिर सीधा वाई बन रहा है। तो फिर से क्या होगा, ये हमने फिर से क्या करना है, सब्सी, और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये एक सब्सिट्यूएंट हो गया, क्योंकि ये पूरी रिंग बन के आ रही है। ये तो हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, लेकिन ये पूरी रिंग है। ठीक है, तो ये सी एच टू ग्रुप है, तो एक सी एच टू ग्रुप हो गया, यहाँ पर ये कार्बन हो गया, फिर एक कार्बन हो गया, और इस कार्बन से अगर हम नीचे की साइड देखें तो फिर से हमारे पास एक सी एच टू ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं इसको पेपर पे ड्रॉ करूँ, तो पेपर पे ड्रॉ करूँ तो फ्रंट कार्बन हमारा फिर से उल्टा वाई बन रहा है, तो हमने उल्टा वाई बना लिया। ये और ये हाइड्रोजन हो गई, यहाँ पर ये हाइड्रोजन कर लिया, और ये वाला जो ग्रुप है ये हमारा सी एच टू ग्रुप है, तो हमने इसको यहाँ पर सी एच टू लिख दिया। अच्छा, अगर हम पीछे ब्लू कार्बन की बात करें तो उस पर सीधा वाई बन रहा है, तो हमने यहाँ पर सीधा वाई बना दिया, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, तो हमने ये हाइड्रोजन लिख दी और ये हाइड्रोजन लिख दी। लेकिन नीचे की साइड अगर आप देखें तो पूरी रिंग बन रही है, वो ब्लैक कलर जो है, ये जो ये वाला, ये सी एच टू ग्रुप है, ये क्योंकि ब्लैक वाला हमारा कार्बन है और ये दो हाइड्रोजन है, तो ये एक सी एच टू ग्रुप आ गया। तो देख रहे हैं आप, यहाँ पर भी एक गोश इंटरेक्शन। तो इस तरीके से हर कार्बन की अगर हम बात करें, हर दो कार्बन के बीच में हमें एक गोश इंटरेक्शन मिल रहा है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 6 गोश इंटरेक्शन देखने को मिलते हैं। तो एक साइक्लोहेक्सेन रिंग में टोटल जो होते हैं वो 6 गोश इंटरेक्शन देखने को मिलते हैं। तो अब हम यहां इसकी बात करेंगे, तो यहां पर क्या हुआ, यानी ये जो इस वाले इसकी बात करें, अगर हम सिर्फ इस रिंग की बात करें तो हमेशा क्या होता है, एक जैसे अगर मैं यहां पर ये ले रही हूं एक्सियल वाला, ये वाले साइक्लोहेक्सेन रिंग से सिर्फ ये बॉन्ड एक्सियल है, हम सिर्फ, और एक्सियल ग्रुप जब होता है हमेशा उसकी वजह से ही 1,3-डाईएक्सियल आता है, और उसी की वजह से हमेशा गोश ब्यूटेन इंटरेक्शन भी यहाँ पर देखने को मिलेगा जब एक्सियल सब्सिट्यूएंट जुड़ा हुआ हो किसी साइक्लोहेक्सेन रिंग से। देखिए, जैसे कि अगर मैम ये कहती आपसे कि सपोज जो ये ग्रीन वाला है, इस ग्रीन को मैं ये कहूं कि ये मिथाइल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन ना मान के अगर हम, मैं इसको मिथाइल ग्रुप मान लूं, और अगर हम देखें तो पहले वाला कार्बन हमारा उल्टा वाई बना रहा है और पीछे वाला कार्बन हमारा सीधा वाई बना रहा है, तो ये एक अगर सी एच थ्री ग्रुप है, तो ये सी एच थ्री ग्रुप और ये वाला सी एच टू ग्रुप ये आपस में गोश हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों कार्बन तो हमारे नॉर्मल कार्बन है, जो एक फ्रंट कार्बन है और पीछे वाला बैक कार्बन है, फ्रंट कार्बन का उल्टा वाई और बैक कार्बन का सीधा वाई, ये वाली और ये वाली पोजीशन जो हमारी हो जाएंगी वो गोश होंगी। और इसको हम पेपर पे कैसे बना सकते थे, वो हमने ये बना के दिखाया था। देखिए, पहला वाला उल्टा वाई, पीछे वाला सीधा वाई, और उल्टे वाई का जो ऊपर वाला पोर्शन था वो मिथाइल ग्रुप हमने मान लिया था, और पीछे वाला जो कार्बन है वो सी एच टू ग्रुप था। तो ये हम इस तरह से यहाँ पर दिखा सकते हैं, अगर हमें इसको मिथाइल मानूँ और ये वाला सी एच टू, तो जो ये दो पोजिशन हो गई ये हमारी गोश पोजीशन यहां पर कहला देंगी। तो ये गोश इंटरेक्शन हुआ, तो एक एक्सियल की वजह से हमेशा हमें दो गोश इंटरेक्शन देखने को मिलेंगे। अब वो हम कैसे देख रहे हैं, देखिए अगर मैं पेपर पे पहले आपको अगर मॉडल के थ्रू समझाऊं, तो फिर से हम ये मॉडल ले लेते हैं। हम सपोज ये 10 कार्बन और 9 कार्बन की बात कर रहे हैं, ठीक है, और हमने सपोज ये ब्लू वाले को 10 मान लिया और इस ब्लैक वाले को 9 मान लिया। अब 10 से हमारा एक एक्सियल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हमने इस ग्रीन वाले को वो एक्सियल ग्रुप मान के चल ले रहे हैं। तो हमने जब ये एक्सियल ग्रुप माना तो ये हमारा हो गया उल्टा वाई और पीछे वाला हो गया हमारा सीधा वाई, तो ये हमारा एक्सियल पोजीशन पर है।
और तो ये वाला एक्सियल किसके साथ शो करेगा, इसके साथ, ये वाला बॉन्ड जो हमारा बन रहा है, ये वाला कार्बन। तो यानी ये वाली कार्बन जो एक्सियल से जुड़ी हुई है, हमने फोर नंबर लिखी हुई है। तो ये तो हो गई हमारी फोर नंबर, फोर जुड़ा हुआ है टेन से, तो ये हो गया टेन, टेन जुड़ा हुआ है फिर नाइन से, तो ये हो गया नाइन, और नाइन जुड़ा हुआ है एट से, तो ये वाली हो गई हमारी एट पोजिशन। तो ये कुल मिलाकर चार ही तो ग्रुप आए हमारे पास, चार ही आ रहे थे, ये हमारा सब्सिट्यूएंट हो गया, ये साइक्लोहेक्सेन की कार्बन हो गई दोनों की दोनों। और फिर से हम इसको सब्सिट्यूएंट मान सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारा फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन हो गया, और ये सब्सिट्यूएंट है, ये वाला ब्लू और ये ग्रीन वाला भी सब्सिट्यूएंट है। तो सब्सिट्यूएंट कार्बन कार्बन फिर सब्सिट्यूएंट। तो इस तरह से जो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि सब्सिट्यूएंट फिर कार्बन फिर कार्बन फिर सब्सिट्यूएंट, तो जब भी कभी ऐसी पोजीशन आपको देखने को मिलेगी, वहां पर हमेशा गोश इंटरेक्शन होगा। तो हमने क्या माना था अभी, कि मैं आपको जो बता रही थी कि ये जो यहां पर हमने लिया हुआ था सपोज ये इस तरीके से, तो हम इसको मान रहे थे, सॉरी मैं इस वाले से अगर बात करूं इसकी, जैसे कोई भी आप मान सकते हैं, तो ये अगर हम मान रहे हैं ये वाला सब्सिट्यूएंट हो गया, ये सब्सिट्यूएंट हुआ, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, और ये फिर से हमारा सब्सिट्यूएंट हुआ। तो एक तो हमने देखा कि अभी हमने बात की फोर कार्बन की, फिर टेन कार्बन की, फिर नाइन की और एट की। तो हमने यहाँ पर फोर टेन नाइन एट इस तरह से लिख दिया, तो फोर टेन और नाइन एट, ये एक पोजीशन हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिखी हुई है, ठीक है। तो एक गोश इंटरेक्शन तो इस रिंग की, अब इसी एक्सियल की वजह से हमें दूसरा भी देखने को मिलेगा। क्यों, कैसे मिलेगा वो हमें, ये जो हम बीच वाला नंबर लिखते हैं, ये हमारी फ्रंट और बैक कार्बन होती है, ये आप ध्यान रखिएगा, इनके अलोंग हमें देखना होता है। तो हमने पहले कैसे देखा, टेन और नाइन के अलोंग देखा था, कि टेन कार्बन को अगर हमने आगे माना और नाइन को हमने पीछे माना, तो टेन कार्बन से ये फोर कार्बन जुड़ा हुआ है, टेन से ही ये नाइन कार्बन जुड़ा हुआ है, और नाइन कार्बन इस एट कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो हम टेन को आगे रख रहे हैं और नाइन को हमने पीछे रख के देखा। तो अच्छा, अब इसी टेन कार्बन को मैं पकड़े रहती हूँ, और हम इसी रिंग को ऐसे घुमा के अगर हम देखें, तो अब हम क्या देखेंगे, ये टेन कार्बन हो गई, और ये जो पीछे वाली है ये फाइव कार्बन है। अब फाइव ही तो हो जाएगी, देखिए टेन थी तो ये नाइन हो गई, फिर ये एट हो गई, ये सेवन हुई, सेवन से सिक्स आई, और ये फाइव कार्बन। तो अब हम टेन को फिर से आगे रख रहे हैं और फाइव को पीछे रख रहे हैं। तो टेन कार्बन पर हमारा ये एक्सियल ग्रुप तो है ही, जो फोर कार्बन है हमारी, जो हमने यहाँ फोर नंबर लिखा हुआ है। तो ये फोर हो गया, ये टेन हो गया, ये फाइव कार्बन, और देखिए फाइव कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, सिक्स कार्बन से, और यही तो हमारा गोश इंटरेक्शन है, ये सब्सिट्यूएंट, ये कार्बन और फिर सब्सिट्यूएंट। तो इस तरह से ये हमारा गोश इंटरेक्शन निकल के आएगा। कैसे निकल के आ रहा है, देखिए पहले वाले कार्बन पर अगर हम देख रहे हैं, तो ये हमारा एक सी उल्टा वाई है, और पीछे वाले कार्बन पर हमारा सीधा वाई है। तो उल्टे वाई का ऊपर वाला पोर्शन, यानी ऊपर वाला एक्सियल ग्रुप, और जो सीधा वाई है उसका राइट हैंड डायरेक्शन वाला, यानी कि कुछ कुछ ये वाला स्ट्रक्चर जो यहाँ बन की, जो हमने यहाँ ये वाला और ये वाला ग्रुप, जो ये वाला ग्रुप है वो हम यहाँ शो कर रहे हैं। ये जो ऊपर वाला ग्रुप डॉ रखा रहा है, ये हमारा मिथाइल ग्रुप हो गया। देखिए फ्रंट कार्बन पर मैंने उल्टा वाई बना रखा है, तो हमारा भी उल्टा ही वाई बन के आ रहा है। बैक कार्बन पर सीधा वाई है, और बैक कार्बन पर मैंने भी सीधा वाई बना रखा है, और जो ये कार्बन मैंने पकड़ी हुई है, ये कार्बन, ये मिथाइल ग्रुप है, सब्सिट्यूएंट है, मतलब कार्बन ही तो हो गया, मतलब हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, बस कार्बन हो वो। ये सब्सिट्यूएंट कार्बन है, ये फ्रंट कार्बन हो गई, बैक कार्बन, और फिर से ये जो है वो सब्सिट्यूएंट हो जाएगा। तो जो ये वाला कार्बन हो गया, टेन वाला कार्बन, ये यहाँ नाइन वाले कार्बन से भी और ये फाइव वाले कार्बन से भी अटैच है, और इसके आगे वाले बॉन्ड से, इसके भी आगे वाले बॉन्ड से और इसके भी आगे वाले बॉन्ड से, ये गोश इंटरेक्शन जो है वो शो कर रहा है। तो वही हमने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। तो कभी भी आपके पास मॉडल तो होगा ही नहीं, तो मॉडल नहीं होगा तो आप कैसे पहचानेंगे? तो आपने सिर्फ इतना करना है कि जो भी एक्सियल सब्सिट्यूएंट है उसका नंबर, जिससे जुड़ा हुआ है उसका नंबर, फिर उससे नेक्स्ट कार्बन, और ये मतलब हमें चार कार्बन को यहाँ पर ऐड करना है। या आप कह सकते हैं कि ये सब्सिट्यूएंट हो गया, ये हमारी फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन, और फिर से सब्सिट्यूएंट। तो चार कुल मिलाकर हमारे पास एटम जो है वो इन्वॉल्व हो गए। तो ये हो गया फोर टेन फाइव सिक्स, तो यहीं तो मैंने लिखा है फोर टेन फाइव सिक्स, और एक तो एक इंटरेक्शन तो ये हो गया, और दूसरा इंटरेक्शन इसी साइक्लोहेक्सेन रिंग में देखें तो फोर टेन नाइन एट हो गया। तो ये हमने लिख दिया फोर टेन नाइन एट। तो जब हमें पेपर पे देखना होता है, तो आपने सिर्फ इतना करना है, जो भी आपका एक्सियल सब्सिट्यूएंट है उस एक्सियल सब्सिट्यूएंट को लिखेंगे। यहाँ पर तो वो फोर कार्बन है, तो हमने फोर लिख दिया। मान लो यहाँ पर कुछ ना जुड़ा होता, सिर्फ सी एच थ्री लिखा हुआ होता, तो आपका इंटरेक्शन क्या होता, सी एच थ्री टेन फाइव सिक्स, तो वो गोश इंटरेक्शन होता है। मतलब आपको कुल मिलाकर चार कार्बन को इन्वॉल्व करना है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि इस वाले रिंग की, इस वाले रिंग को अगर मैं ऐसे घुमा दूं,
ये वाली रिंग में, तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो है वो एक्सियल बॉन्ड है इस वाली रिंग के लिए, और इस वाली रिंग के लिए अगर ये एक्सियल बॉन्ड है तो फिर से हमें चार ही कार्बन को इन्वॉल्व करना है, तो 8, ये 9, ये 10 और 4, तो एक तो हो गया 8 9 10 4, और दूसरा क्या हो जाएगा 8 9 1 2, ठीक है। तो अब 8 9 10 4 तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो दोनों रिंग के लिए कॉमन हो जाएगा, और 8 9 1 2 हम यहाँ पर लिख देंगे, तो कुल मिलाकर देखने में तो हमें लग रहे हैं चार एक्स्ट्रा गोश ब्यूटेन, लेकिन क्योंकि एक तो हमारा दोनों रिंग के लिए कॉमन है, ये वाला हमारा जो दोनों रिंग के लिए कॉमन होता है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा गोश ब्यूटेन इंटरेक्शन देखने को मिलते हैं। तो अगर कोई पूछे कि सिस डिकेलिन में टोटल गोश ब्यूटेन इंटरेक्शन कितने होते हैं, तो टोटल कैसे निकालेंगे, एक साइक्लोहेक्सेन में होते हैं 6, दूसरी साइक्लोहेक्सेन में भी हो जाएंगे 6, और 3 हमारे निकल के आएंगे एक्स्ट्रा, तो कितना नंबर हो गया, ये 12 और 3 15, तो कुल मिलाकर 15 गोश ब्यूटेन इंटरेक्शन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो क्योंकि गोश ब्यूटेन इंटरेक्शन की वजह से भी और 1,3-diazole इंटरेक्शन दोनों ही मॉलिक्यूल को अनस्टेबल करेंगे, क्योंकि दोनों ही रिपल्शन की वजह से आए हैं, और रिपल्शन होगा तो मॉलिक्यूल की एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगी और स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी, तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर हम बात करें ट्रांस डिकेलिन की, ट्रांस डिकेलिन में क्योंकि अगर आप देखें एक्जियल पोजिशन पर, दोनों ही रिंग की एक्जियल पोजिशन पर तो हाइड्रोजन है, कोई भी इनके सब्सिट्यूएंट जो है वो इक्वेटोरियल पोजिशन पर, इस रिंग का सब्सिट्यूशन इक्वेटोरियल है और इस रिंग का दूसरा सब्सिट्यूशन भी इक्वेटोरियल है, और इस रिंग की बात करें तो ये भी सब्सिट्यूशन है और इसके लिए ये सब्सिट्यूशन है, तो ये जो दोनों सब्सिट्यूशन है वो क्योंकि कोई भी इक्वेटोरियल पोजिशन पर है, तो यहां पर कोई भी हमें ना तो हमें 1,3-diazole इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, ना ही कोई एक्स्ट्रा गोश ब्यूटेन इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। तो यहां पर जो टोटल अमाउंट आएगा गोश ब्यूटेन इंटरेक्शन का, वो दोनों साइक्लोहेक्सेन का आएगा, वो कुल मिलाकर 12 होंगे, तो यहां पर तो 12 होते हैं और सिस में जो गोश ब्यूटेन होते हैं वो 15 होते हैं, इसलिए वो ज्यादा अनस्टेबल मानी जाती है, और 1,3-diazole भी वहां पर ज्यादा होते हैं। तो ये तो बात थी स्टेबिलिटी की। अब अगर हम बात करें कि फ्लिपिंग यहाँ पर पॉसिबल है कि नहीं, या इनेंशियोमेरिज्म की या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कि सिस में है होती है कि नहीं, तो सिस बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे 1,2-dimethyl मैंने साइक्लोहेक्सेन में बताया था, वहां पर भी जो सिस आइसोमर था वो इनेंशियोमर की तरह आ रहा था, क्योंकि उसकी जब हम मिरर इमेज देख रहे थे या फ्लिपिंग इमेज देख रहे थे, वहां पर मिरर इमेज और फ्लिपिंग इमेज दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सेम आ रही थी, इसलिए वहां पर नॉन रिजॉल्वेबल डीएल पेयर मिल रहा था, ठीक ऐसा ही यहां पर भी हमें देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले हम यहां देख लेते हैं कि हम इसकी फ्लिपिंग कैसे कर सकते हैं। तो फ्लिपिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, रिंग के जो ऊपर वाले कार्बन होते हैं वो हमेशा नीचे पहुंच जाते हैं, और जो नीचे वाले कार्बन होंगे वो हमेशा ऊपर पहुंच जाएंगे, और जो एक्सियल बॉन्ड होगा वो इक्वेटोरियल बन जाएगा, जो इक्वेटोरियल होगा वो एक्सियल बन जाएगा। तो हम इस रिंग की देख लेते हैं, सबसे पहले हम इस रिंग को एज इट इज बना दीजिए यहां पर। अब हमें सिर्फ इतना करना है कि जो ऊपर वाले कार्बन पर हमने 9 लिखा था, उस कार्बन को हमें नीचे पहुंचाना है अब, क्योंकि अब तो वो नीचे फ्लिपिंग में तो नीचे आ जाएगा, तो हम 9 कार्बन अब इस नीचे वाले कार्बन को लिखेंगे। जब ये 9 यहां आएगा तो जाहिर सी बात है 10 आगे जाएगा, 5 इससे आगे जाएगा, 6 आगे, फिर 7 यहां और 8 यहां आ जाएगा, तो वही मैंने यहां पर लिख दिया है। तो सबसे पहले या तो आपने रिंग बना ली, अब इस रिंग में आपने देखा 9 कार्बन पर एक्सियल पोजिशन पर हाइड्रोजन है, लेकिन अब ये फ्लिपिंग पे एक्सियल पोजिशन पर तो रहेगा नहीं, क्योंकि एक्सियल इक्वेटोरियल लेगा, तो अब 9 कार्बन पे हमें इक्वेटोरियल हाइड्रोजन बनाना है, तो हमने इक्वेटोरियल हाइड्रोजन बना दिया, और 10 कार्बन की हाइड्रोजन यहां पर इक्वेटोरियल थी, तो हमें 10 कार्बन पर हाइड्रोजन को एक्सियल बना देना है, तो बस हमने एक्सियल बना दी और यहां पर इक्वेटोरियल। और उसके बाद आपको क्या करना है, 9 कार्बन का जब हमने इक्वेटोरियल बॉन्ड बना दिया तो हमें फिर एक्सियल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तो हमने ये एक्सियल बॉन्ड बना दिया, और 10 का जब हमने एक्सियल बना चुके तो हमें इक्वेटोरियल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तो हमने इसको इक्वेटोरियल बना लिया, और नंबर जो देख लिया 10 से जुड़ा हुआ है 4 कार्बन तो हमने यहाँ 4 कार्बन डाल दिया, 9 से जुड़ा हुआ है 1 कार्बन तो हमने इसको 1 कार्बन डाल दिया, तो हमारे पास 3 बॉन्ड बन के आ गए, बाकी ये तीनों बॉन्ड बिल्कुल पैरेलल बनेंगे इसके, 9 1 के जैसा 4 3 बॉन्ड बनेगा, और 9 10 के जैसा ये 2 3 बनेगा, और 4 10 के जैसा ये 1 2 बॉन्ड बनेगा। नंबरिंग इसी हिसाब से करनी है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो हमने इसको 2 बॉन्ड लिख दिया, 2 3 से जुड़ा हुआ है तो ये 3 हो गया, और 3 4 से जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से हम ये फ्लिपिंग जो है दिखा सकते हैं यहाँ पर। तो जो फ्लिपिंग होगी और जो इसके मिरर इमेज होती है वो दोनों सेम होती है, इसलिए यहाँ पर भी रेसिमिक मिक्सचर जो है वो नॉन रिजॉल्वेबल पेयर की तरह हमें मिलता है, और ये भी कन्फॉर्मेशनल इनेंशियोमर्स होते हैं, चाहे वो मिरर इमेज हो चाहे फ्लिप्ड इमेज हो, दोनों के दोनों कन्फॉर्मेशनल इनेंशियोमर्स हो जाते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हम फ्लिपिंग को समझ सकते हैं। तो सीएस जो होती है वो सिस जो होती है सॉरी सिस जो होती है वो नेचर में फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल क्योंकि यहां पर फ्लिपिंग पॉसिबल है, और एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स विच आर इंटरकन्वर्टिबल बाय कन्फॉर्मेशनल फ्लिपिंग, यहां पर फ्लिपिंग पॉसिबल है, और जो
इसकी मिरर इमेज आएगी वो भी बिल्कुल इसके जैसी ही आती है, तो इसलिए दोनों जो है वो हमारे पास रेसिमिक मिक्सचर जो है वो नॉन रिजॉल्वेबल मिलते हैं। अब हम ट्रांसडिकेलिन की अगर हम बात करें, अब ट्रांसडिकेलिन में फ्लिपिंग पॉसिबल नहीं होती। कैसे नहीं होती देखते हैं हम यहाँ पर। हमने फिर से यही इसको ऐसे एज इट इज बना दिया। अब हमें 9 कार्बन को, क्योंकि ये ऊपर वाले कार्बन पर है, तो हमें कोई भी नीचे वाले कार्बन पर जोड़ देंगे। चाहे तो आप इसको यहाँ लिख दीजिए, चाहे आप यहाँ लिख दीजिए। सपोज मैंने 9 को यहाँ लिख दिया नीचे वाले कार्बन पर, जब 9 यहाँ जाएगा तो 8 नंबर यहाँ पहुंच जाएगा, तो मैंने 8 यहाँ पहुंचा दिया। इसी तरह ये सारे नंबर जो है आगे हो जाएंगे एक नंबर। अब हम देखेंगे 9 कार्बन पर एक एक्सियल हाइड्रोजन है, तो अब हमारी एक्सियल हाइड्रोजन तो रहेगी नहीं, ये तो इक्वेटोरियल बनेगी, तो हमने इक्वेटोरियल हाइड्रोजन यहाँ बना दी। और 10 कार्बन पर भी हमारी ये एक्सियल हाइड्रोजन है, तो ये भी हमें इक्वेटोरियल ही बनानी पड़ेगी, तो हमने इसको भी इक्वेटोरियल बना दिया। अब 9 कार्बन क्योंकि नीचे की साइड है, तो इसका एक्सियल बॉन्ड नीचे की साइड जाएगा, तो हमने ये एक्सियल बॉन्ड बना दिया। और 9 कार्बन क्योंकि 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है बॉन्ड के थ्रू, तो हमने इसको 1 नंबर लिख दिया। ऐसे ही 10 कार्बन पर हमने देखा, 10 कार्बन पर भी एक एक्सियल बॉन्ड, क्योंकि इक्वेटोरियल हाइड्रोजन तो हम पहले ही बना चुके हैं, तो हमने एक्सियल बॉन्ड बनाया और एक्सियल बॉन्ड का नंबर भी हमने यहां से देख के लिखा कि 10 से 4 जुड़ा हुआ है, तो ये हमने 4 जोड़ दिया। अब आप खुद देखिए, ये 1 कार्बन नीचे की साइड है और 4 कार्बन ऊपर खड़े है, क्योंकि इन दोनों कार्बन में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो ये आपस में मिलेंगे कैसे। 4 कार्बन से 3 कार्बन जुड़ी हुई है और 1 कार्बन से 2 कार्बन जुड़ी हुई है। अब देखिए 2 और 3 के बीच में कितना गैप है, तो इतना डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो बहुत इंपॉसिबल है इन दोनों को ज्वाइन करना। इसीलिए जो ट्रांसडिकेलिन है उसमें कोई भी फ्लिपिंग यहां पॉसिबल नहीं हो पाती है, क्योंकि दोनों हमारे हाइड्रोजन जो है वो एक्सियल पोजिशन पर प्रेजेंट होते हैं, तो इक्वेटोरियल हम यहाँ वो इक्वेटोरियल हो जाएंगे, तो दोनों एक्सियल पोजिशन को जोड़ना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और ट्रांसडिकेलिन हमारी कोई भी ऑप्टिकली जो ऑप्टिकली एक्टिव जो होती है वो यानी कह सकते हैं कि ऑप्टिकल रोटेशन शो नहीं कर पाती है, या ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर होती है सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो इसलिए ये हमारी हो जाती है ऑप्टिकली इनएक्टिव। अच्छा, अब अगर हम बात करें डिकेलिन को, अगर हम सब्सिट्यूट कर दें, यह है सब्सिट्यूट डिकेलिन जो कि हमने 9th पोजीशन पर इसको सब्सिट्यूट कर दिया है। तो जैसे ही हम यहाँ सब्सिट्यूट करेंगे, अगर हम ट्रांसडिकेलिन की बात करें, तो ये जो ME आ गया यानी मिथाइल ग्रुप जो आया है वो एक्सियल पोजीशन पर आ गया। तो जैसे ही ये एक्सियल पोजीशन पर आया, एक एक्सियल पोजीशन से हमेशा हमें 2 डाइएक्सियल इंटरेक्शन देखने को मिलते हैं। तो यहां पर क्योंकि 2 रिंग है, तो कुल मिलाकर हमें 4 डाइएक्सियल इंटरेक्शन देखने को मिलेंगे। इस रिंग में ये दोनों हाइड्रोजन और इस रिंग के ये दोनों हाइड्रोजन, तो ये कुल मिलाकर 4 1 3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन यहां पर शो करेंगे इस मिथाइल ग्रुप के लिए। अगर हम सिसडिकेलिन की बात करें, सिसडिकेलिन में भी हमने एक एक्सियल तो लगाया है, तो वो इस रिंग के लिए तो एक्सियल है, तो इस रिंग के दोनों हाइड्रोजन के साथ वो 2 1 3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन शो करेगा। लेकिन अगर हम इस रिंग की बात करें, ये वाली रिंग, इस वाली रिंग के लिए नीचे वाला बॉन्ड एक्सियल होता है और ऊपर वाला बॉन्ड हमारा इक्वेटोरियल होता है, तो क्योंकि अब ये इस रिंग के लिए इक्वेटोरियल मिथाइल है और इक्वेटोरियल से तो हमें कोई 1 3 डाइएक्सियल देखने को नहीं मिलता, तो इसलिए यहां पर खाली हमें 2 1 3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन देखने को मिलेंगे। और इसी तरह हम गोश ब्यूटेन इंटरेक्शन भी दिखा सकते हैं, एक एक्सियल ग्रुप से हमेशा 2 गोश ब्यूटेन मिलते हैं, तो यहां पर भी हमें 2 एक्स्ट्रा गोश ब्यूटेन मिल सकते हैं और यहां पर हमें मिलेंगे 4 एक्स्ट्रा गोश ब्यूटेन इंटरेक्शन। तो अब क्या हो जाएगा, जब हम यहाँ सब्सिट्यूशन लगा देते हैं, तो यहां पर जो ये सिस वाली फॉर्म होती है वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल हो जाएगी ट्रांसडिकेलिन के। जब हमने कोई सब्सिट्यूशन नहीं लगाया था तब तो ट्रांस ज्यादा स्टेबल होती है, लेकिन जैसे ही हमने सब्सिट्यूशन ऐड कर दिया तब सिस वाली थोड़ी सी ज्यादा स्टेबल हो जाती है, क्योंकि यहां पर डाइएक्सियल इंटरेक्शन जो है कम हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक रिंग के लिए एक्सियल पोजीशन है, दूसरी रिंग के लिए तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, और यहां पर ये मिथाइल ग्रुप दोनों ही रिंग के लिए क्योंकि एक्सियल है, इसलिए यहां पर ये कम स्टेबल हो जाएगा और ये ज्यादा स्टेबल। तो ये पूरा था हमारा डिकेलिन के कन्फॉर्मेशन के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम कुछ और वीडियोस के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।